उत्तराखंड का प्रसिद्ध पटवा पौधा विलुप्ति की कगार पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि पटवा पौधा सरोवर नगरी नैनीताल के निकट पाया जाता है। इसी प्रजाति के नाम पर पटवांडागर नाम का कस्बा भी है। पटवा के बीज सख्त होने की वजह से प्राकृतिक तौर पर नए पौधे उगने की प्रक्रिया भी समाप्त होती जा रही है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर ललित तिवारी ने बताया कि पटवा का वनस्पति नाम मीजोट्रोपिस पेलिटाय यानी कि पटवा है। इस विलुप्त प्राय पौधे की दुनिया में पहचान सर्वप्रथम 1925 में ब्रिटिश वनस्पति वैज्ञानिक ऑस्मोस्टोन ने सरोवर नगरी के निकट पटवा डांगर में की थी। उनके अनुसार ये पौधा नेपाल के काली कुमाऊं एवं धोती जिले में भी पाया जाता है, किंतु वर्तमान में ये पौधा उत्तराखंड के पटवा डांगर नाम के स्थान पर ही उपलब्ध है और इसके भी यहाँ पर कम पौधे बचे हैं। डांगर जो है पटवा के नाम पर ही बना। पटवा का वनस्पतिक नाम मीजोट्रोपिस पेलिटा है, जो फैबेसी फैमिली का है, और इसके जो रूट्स होते हैं उसमें नूडल्स पाया जाता है और ये जो भूमि की उर्वरकता है उसको बढ़ाने का काम करता है। लेकिन सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात जो इस पौधे के संदर्भ में है, ये पटवा डांगर क्षेत्र से ही रिकॉर्ड किया गया है और पटवा डांगर नाम इसी के आधार पर बना। पटवा पौधा और डांगर का मतलब पहाड़ी, यानी कि जो पटवा को संरक्षित करती है वही पहाड़ी पटवा डांगर के नाम से जानी जाती है। लेकिन आज ये पौधा विलुप्ति के कगार पर हो रहा है। कुछ एंटी जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज हैं उस पर रिकॉर्ड की गई हैं, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत लाल रंग का पुष्प देने वाला ये पौधा आज विलुप्ति के कगार पर है और इसका प्रोपगेशन रूट स्टॉक से ही हो पाता है और जो इसका सीड कोट है वो बहुत थिक होता है। इसलिए ये पौधे को बचाना और संरक्षित करना ताकि हम सतत विकास में अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर सके, ये महत्वपूर्ण है। तो सर ये प्रचुर मात्रा में हुआ करता था सर, सर अब ये धीरे धीरे विलुप्ति के आधार पर पहुंच गया है सर। जी सर, इसका बीज ही निकाल लेते हैं तो बीज निकाल के सर फिर बाद में बीज लगा लिया जाता है। सर ये पटवा डांगर का नाम ही इसी पे इस पौधे के नाम से ही पड़ा है, पटवा प्लस डांगर करके। जी सर, ये आपके इसमें विभिन्न प्रकार की रिसर्च हुई है, कैंसर की रिसर्च हुई है इससे, इस पौधे से, और सरकार से यही मांग है कि सर इस ओर ध्यान दें और इसका संरक्षण करें, कोई रिसर्च हो जाए, इसमें कोई दवाई निकल जाए, मेडिसिन, स्थानीय लोगों को भी इससे रोजगार मिल सके।